सबसे पहले पीसी ऑन करना होगा, फिर पीसी की बायोस खोलना है। सबकी अलग-अलग होती है, जैसे F9 प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है या डिलीट प्रेस करना है। इसमें F9 प्रेस करना होगा। फिर अपनी पेन ड्राइव या डीवीडी सेलेक्ट करना होगा। देन एंटर। अब कोई भी की प्रेस करना है। थोड़ी देर वेट करेंगे। अब अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट कर दें। इंस्टॉल विंडो नेक्स्ट। अब थोड़ी देर वेट करना होगा। अब अगर आपको 64 बिट डालनी है तो आपको x64 विंडो अल्टीमेट सेलेक्ट करना है, और अगर 32 बिट डालनी है तो आपको x86 विंडो अल्टीमेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग इसमें 32 बिट डालना चाह रहे हैं, तो विंडो अल्टीमेट 86, देन नेक्स्ट, एग्री एंड नेक्स्ट। अब कस्टमाइज़ पर जाएंगे क्योंकि हमें अपनी पुरानी विंडो डिलीट करके नई विंडो डालनी है। ड्राइव ऑप्शंस पे जाएंगे और डिलीट कर देंगे अपने सारे पार्टीशन। अगर फॉर्मेट करेंगे तो पुराना डेटा बच जाएगा, और अगर डिलीट करेंगे तो सारा डेटा हमारा इरेज हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारी डिस्क को डिलीट कर देते हैं। जब हमारी डिस्क पूरी खाली हो जाएगी तो हम लोग न्यू पर जाएंगे और अपने नए पार्टीशंस बनाएंगे। पहला पार्टीशन लोकल डिस्क सी होता है, दूसरा डी, फिर ई, और ऐसे कंटिन्यू। पार्टीशन बनने के बाद नेक्स्ट। अब थोड़ी देर वेट करेंगे। जब हमारी अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वेट करेंगे।
अब हमारी विंडो प्रिपेयर होगी। अब हमें अपने पीसी का नाम एंटर करना है और फिर नेक्स्ट। पासवर्ड इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट, आस्क मी लेटर, और हम अपनी कंट्री के हिसाब से अपना टाइम सेट करेंगे, टाइम जोन सेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करना है। फाइनली हमारी विंडो अपलोड हो चुकी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।